हेलो एवरीवन, मैं हूँ मुक्ति और स्वागत है आपका अपनी इस दुनिया में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे योगा वीडियोस को और एक्सरसाइज वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी इजी एक्सरसाइज जिनको आप फोन देखते देखते आराम करते करते भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग इतना बिजी होते हैं कि सुबह सुबह टाइम नहीं होता है कि हम एक्सरसाइज करें या एक वर्कआउट के लिए शेड्यूल प्लान कर सकें। तो आप क्या करते हैं, कुछ टाइम तो आप फ़ोन देखने के लिए निकालते हैं, बेड पे रेस्ट करने के लिए निकालते हैं। तो उसी दौरान आप कुछ इजी सी एक्सरसाइज हैं जिनको आप साथ में फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो कैसे करनी है चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको आराम से अपने फ़ोन के साथ पिलो लगा के बेड पर लेट जाना है, एकदम रिलैक्स्ड होके। फिर दोनों पैरों से इस तरह से मूवमेंट को आपको फॉलो करना है, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। आप इस तरह से कंटिन्यूस करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके बेली फेट पे और थाइस पे। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ आज, तो स्पेसिफिकली ये बेली फैट को रिड्यूस करने और थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए है। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैरों का पोस्चर बनाना है, दोनों पैरों को ज्वाइंट करके इस तरह से ओपन करना है और बंद करना है। तो इस तरह से मूवमेंट आपको फॉलो करना है अपने पैरों से। ये आपके थाइस के साइड फैट को रिड्यूस करेगा। थर्ड एक्सरसाइज में दोनों पैरों को आपको स्ट्रेट करना है और अपने चेस्ट तक लेके आना है, फिर स्ट्रेट करना है, चेस्ट तक लाना है फिर स्ट्रेट करना है। और इसका जो एक्सर्शन है वो डायरेक्ट अप्लाई होगा आपके बेली फेट पे, और जब आप ये करेंगे ना तो आपको सच में बहुत रिलैक्स्ड महसूस होगा। दोस्तों, कुछ योगा पोस्चर इतने टफ होते हैं, इफेक्टिव तो बहुत होते हैं बट टफ होते हैं, कि हर किसी के बस का नहीं है। बट ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है। फोर्थ एक्सरसाइज, ये इस तरह से आपको पेट के बल लेट जाना है, फोन देखते रहिए, फोन में कोई बाधा नहीं आने वाली आपके, और दोनों पैरों को वन बाय वन इस तरह से मूव करना है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे भी आपके बेली फैट और थाई का जो फैट है वो रिड्यूस होता है। बस कोई भी चीज आपको कंटिन्यूस करनी होती है। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो भी बहुत इफेक्टिव है। साइड से लेट जाइए, अपने एक हाथ को अपने हेड पे सेट कर लीजिए आप सपोर्ट के लिए, और पैरों को इस तरह से आपको वन बाय वन करना है। पहले एक पैर से करिए, फिर आप साइड चेंज करके दूसरे पैर से भी इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके कमर को शेप में लाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड स्टे हेल्दी।